नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री की। कवर्धा में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, जो राम के साथ हैं हम उनके समर्थक हैं, हम किसी के या किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रायपुर में मुझसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अरुण साव मिले। उन्होंने मुझसे पूछा अब क्या करना है महाराज, मैंने कहा धर्म विरोधियों को अब ठिकाने लगाना है। हम पिछले साल आए थे छत्तीसगढ़ 2023 में, अब आए 2024 में, साल बदल गया, छत्तीसगढ़ का हाल बदल गया। हम देखो किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, पर जो राम के हैं उनके हैं। कवर्धा में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने लालपुर गांव पहुंचे, मृतक साधराम यादव के परिजन से मुलाकात की, शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आपको बता दें साधराम की हत्या 20 जनवरी को कला रहत कर की गई थी। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में से 4 से ज्यादा सीटों पर महिलाओं को उतारा जा सकता है। जगदलपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बात कही, साथ ही कहा कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी महिला आरक्षण का ख्याल रखा जाएगा। लोकसभा ही नहीं, विधानसभा में भी देखा, 33% आरक्षण का लाभ मिला है, मतलब लागू नहीं हुआ है, लेकिन लोकसभा की बात है। निश्चित तौर पे महिलाओं को अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, तो महिलाओं को लाभ मिलेगा उसका। छत्तीसगढ़ में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। एक तरफ जहां अरुण साव ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट फरवरी में आएगी, पहली लिस्ट, वहीं बस्तर की सीटों को लेकर मंथन हुआ है। रिपोर्ट देखें। डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि फरवरी में बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश की 11 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया। चल रही है, क्लस्टर बन गया है, लोकसभा के प्रभारी सह प्रभारियों की नियुक्ति हो गई है और उसके लिए बैठकें प्रारंभ हो गई है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट जीतने की तैयारी में पूरी ताकत से जुटी है। देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को हमेशा से मौका देती रही है, पर पार्टी जीतने योग्य और सक्षम प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारेगी। वहीं बीजेपी का फोकस आदिवासी सीटों पर भी है। बस्तर की लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री पवन साय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी, अजय चंद्राकर, केंद्र कश्यप और पार्टी के बड़े पदाधिकारी ने मंथन किया। बैठक के बाद नेताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव जीते हैं, लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। लोकसभा की तैयारी के लिए बैठक थे साहब। कांग्रेस को कितनी चुनौती मानते हैं? कांग्रेस की कहां चुनौती है, देखा ना, महागठबंधन बिहार में भी बिखर गया। तो बस्तर लोकसभा जीतने के 100,000%। तो विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बारी है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और बस्तर सहित लोकसभा की 11 सीटों पर फोकस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मनिंद्रगढ़ में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनकर आए हैं, यहां बची खुची कांग्रेस की नैया भी डूबेगी। पायलट अपनी कांग्रेस की चिंता करें, छत्तीसगढ़ और देश की चिंता करने के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार काफी है। कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा ही नेता हो, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, जो भी गलत करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी गलत काम करने वाले किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।
इधर कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलकलांबा रायपुर पहुंची। अलकलांबा रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंची थी। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव को लेकर कई बड़ी बातें, देखिए। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अलकलांबा पहली बार 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंची हैं। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए रिचार्ज किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन को लेकर बात की, साथ ही दावा किया कि कई जगहों पर गठबंधन की सीटों को लेकर बातचीत फाइनल हो चुकी है। लगातार हमारी बैठकें जो हमारे 28 इंडिया अलायंस के दल हैं, लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं। कौन कितनी सीटों पर कहां लड़ेगा, बहुत से राज्यों में ये बातचीत पूरी भी हो चुकी है। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आ जाने के बाद खंड खंड गठबंधन की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ रायपुर पहुंची अलकलांबा सीटों की बातचीत को लेकर दावा कर रही हैं। अब नीतीश कुमार के इंडी गठबंधन से विदाई लेने और एनडीए गठबंधन से बंधन करने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को क्या फर्क पड़ेगा, ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।